इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। अयोध्या में होने वाले रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में इंदौर के विधानसभा 4 के वार्ड क्रमांक 72 में भी क्षेत्रीय पार्षद योगेश गेंदर द्वारा सुंदरकांड एवं भजन संध्या का आयोजन किया गया, साथ ही महाआरती महाप्रसादी का वितरण भी किया गया। इस दौरान इंदौर की अयोध्या कही जाने वाली विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 के वार्ड क्रमांक 72 में श्री राम लला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या पर भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट भी इस आयोजन में पहुंचे, जहां उन्होंने अयोध्या में मंदिर की नींव रखने वाले कार सेवकों का सम्मान किया और प्रदेश के सभी नागरिकों से अपील की कि 22 जनवरी को होने वाले श्री राम लला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को दीपावली के रूप में मनाएं और हर घर दीप जलाकर अयोध्या के स्वरूप में सजाए। इस दौरान क्षेत्रीय पार्षद योगेश गेंदर ने बताया उनके क्षेत्र में 20,000 दीपकों का वितरण किया गया है, साथ ही 5,000 भगवा ध्वज भी बांटे गए हैं। ये देश के लिए गौरव की बात है। क्या लिखा आपके, सबके राम, सब में राम, जय श्री राम। 500 वर्षों के बाद, कई वर्षों के बाद ऐतिहासिक माहौल दिखाई दे रहा है क्या? पूरे वर्ष, कई वर्षों के बाद जो राम को लाए हैं, जो हमारे राष्ट्र की गौरव है, देश के प्रधानमंत्री जी, कल जो राम जी टेंड में थे, आज अपने आसीन सिंहासन पे विराजित हो रहे हैं, स्थापित हो रहे हैं। मैं श्री राम जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और प्रत्येक इंदौर वासियों, पंद्रह वासियों को 22 तारीख को अपने घर में अयोध्या समझकर राम जी हमारे घर में आ रहे हैं। अयोध्या में दीपावली मना, अयोध्या बना दो मध्य प्रदेश और पूरे राष्ट्र को। पहले तो मैं प्रभु श्री राम के चरणों में अपना चरण वंदन करता हूँ। भारतवर्ष में एक हर्ष की लहर है कि हमारे 500 वर्ष का संघर्ष आज पूर्ण होने जा रहा है और एक बहुत प्रतीक्षात रहते एक कार्य जो है हमारे रामलला आज भव्य और दिव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। इसी 22 जनवरी के शुभ अवसर पर, उसकी पूर्व संध्या पर हम लोगों ने यहाँ सब में राम सबके राम के नाम से एक आयोजन किया है। इस आयोजन में भजन संध्या और सुंदरकांड के साथ में लगभग 20,000 लोगों की भोजन राम प्रसादी का यहाँ आयोजन किया जा रहा है एवं यहाँ के जो हमारे वार्ड के जो कार सेवक है, जिनके कारण हम आज दर्शन को देखने में या इस उत्सव को मनाने में सक्षम है, ऐसे कार सेवकों का हम यहाँ सम्मान भी किया है। और मैं पिछले एक हफ्ते से पूरी हमारी टीम के साथ में हमारे जो बस्ती क्षेत्र है, सेवा बस्ती क्षेत्र है, प्रत्येक बस्ती क्षेत्र में हमने 5,000 ध्वजा और 20,000 दीपों का वितरण किया, निःशुल्क वितरण किया है, ताकि प्रत्येक घर में दीपावली का माहौल बने, प्रत्येक व्यक्ति अपने आराध्य की देवता की पूजा कर सके। मैं पुनः सभी लोगों को, पूरे भारतवर्ष को, पूरे इंदौर शहर को, मध्य प्रदेश को, वार्ड क्रमांक 72 की जनता को 22 जनवरी के शुभ अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। जय श्री राम।